भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही? मतलब कुछ भी। टेस्टोस्टेरोन के बारे में अगर आप थोड़ा गूगल सर्च भी करें तो आपको पता चलेगा कि यह हार्मोन किसी मैजिक पावर से कम नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, जनरली इस हार्मोन के फायदे कुछ इसी हाई लेवल के हैं। इससे आपकी मसल बूस्ट होती है, बॉडी फैट बर्न होता है, आपके मूड और स्लीप पर यह असर करता है। इससे आपकी लिपिडो या सेक्सुअल अर्जेस हाई रहती है, आपके एनर्जी लेवल स्टेबल रहते हैं, ओवरऑल हेल्थ और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को यह इम्प्रूव करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 30 ईयर्स के बाद आदमियों में ये टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली ड्रॉप होने लगता है? इससे सिर्फ लिपिडो पे ही फर्क नहीं पड़ता, आपको हार्ट डिसीज का रिस्क, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, लो बोन मिनरल डेंसिटी का भी रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही आपके मसल मास में रिडक्शन होने लगता है एंड आपके फिजिकल एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस लेवल पे साफ इसका असर दिखने लगता है। तो आप डेफिनेटली मुझसे अब ये पूछना चाहेंगे, तो क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। आपको अफसोस के साथ ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास ऐसा कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो सके, और ना ही ऐसी कोई मैजिकल पोशन या सप्लीमेंट की गुत्थी है जिससे आपको कोई रिजल्ट इंस्टेंटली मिल जाए। आपने कई वेबसाइट्स एंड कंपनीज को ये क्लेम करते देखा होगा कि वो आपको इंस्टेंटली टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप का रिजल्ट देंगे, पर लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, ऐसा कोई भी सिंगल तरीका नहीं है जिससे लॉन्ग टर्म तक टेस्टोस्टेरोन को सेफली इंक्रीज किया जा सके इन सप्लीमेंट से। इसलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि टेक समथिंग नेचुरल टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन ऑर्गेनिकली, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते एंड आपको बल्क में हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए आपको बस डाइट और लाइफस्टाइल में लॉन्ग टर्म चेंजेस लाने होंगे जो आपको नेचुरल एंड इफेक्टिव रिजल्ट देंगे। उसके लिए आपको अच्छा खाना, स्मार्टर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्केड्यूल से सोना होगा। और हाँ, जो सुनने के लिए आप लोग अब तक वेट कर रहे हैं वो है कि कुछ ऐसे हर्ब्स भी है जिसको अपनी डाइट में अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल में मार्क्ड इंक्रीज देख पाएंगे। एंड नो, ये हवा में बातें नहीं, एवरी सिंगल हर्ब के लिए आपको मैं पूरी साइंटिफिक स्टडी का एविडेंस ट्रांसपेरेंट बताने वाला हूँ। टेंशन मत लीजिए, ये हर्ब्स आपको आपके घर या लोकल बाजार में इजीली मिल जाएंगे। इवन अगर आप इस वक्त अपने घर की किचन में भी जाओगे तो यू कैन फाइंड देम राइट अवे। और हाँ, इनमें से कोई भी इतने प्राइसी नहीं है कि आपको बैंक लूटने की जरूरत पड़े। तो पता करते हैं व्हाट आर दीज हर्ब्स एंड हाउ दे कैन हेल्प यू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली। चलो, जिन लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो अबाउट दिस हार्मोन, उनके लिए लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस इट। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी का मेन मेल सेक्स हार्मोन होता है जो स्मॉल अमाउंट में फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। ये मेन के टेस्टिकल्स में और वुमेन्स की ओवरी में प्रोड्यूस होता है, और दोनों ही जेंडर के केसेस में एड्रेनल ग्लैंड्स भी इसे स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन का प्राइमरी फंक्शन आपका सीमन प्रोडक्शन होता है एंड सेकेंडरी फंक्शन मसल बिल्डिंग होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने इजैक्युलेट कर लिया तो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सीमन प्रोडक्शन में लग जाएगा, मसल बिल्डिंग में नहीं। इस पर भी मैं एक साइंटिफिक रिसर्च स्टडी के साथ वीडियो बस कुछ ही दिनों में ला रहा हूँ कि मास्टरबेशन से आपके मसल बिल्डिंग गोल पर कोई भी असर नहीं पड़ता। Even it is beneficial for your muscle building. Interestingly, testosterone female health और sexual well-being पर भी काफी असर करता है। ऐसे sensitive topic पर मैं बहुत ही clear video लेकर आने वाला हूँ। उन पे research का काम already शुरू हो चुका है। पर effects of testosterone on female health पे इसी वक्त अगर आपको information चाहिए तो इस topic पे मैंने already एक video publish की हुई है। You can check it right away. Let's start with 3 options that you can easily get to boost your testosterone naturally. चलो। विटामिन डी ने वर्ल्ड में अपनी एक अलग जगह बना ली है। ये वन ऑफ द पॉपुलर विटामिन में माने जाने लगा है। रिसर्चर्स बोन हेल्थ के लिए इसके काफी हेल्थ बेनिफिट बताते हैं, और साथ ही ये एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी है जो आपको नेचुरली रिजल्ट देगा। एस पेस और एस फ्रिज ने 2011 में एक रिसर्च कंडक्ट किया जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश भी हुआ है। इस रिसर्च का फाउंडेशन ही ये था कि विटामिन डी डायरेक्टली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टिश्यू को टारगेट करता है। ये फैक्ट ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया था। एंड प्रीवियस कुछ डेटा से 25 हाइड्रोएक्सी विटामिन डी, जो विटामिन डी का एक तरह का फॉर्म है, उसका ऑलरेडी मैन के टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ कनेक्शन मिल ही चुका था। ये पर्टिकुलर रिसर्च में उस पिछले स्टडी को और डिटेल में स्टडी करना था,
एंड पर्टिकुलरली विटामिन डी के किस फॉर्म में सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग आपको मिल सकती है वो देखना इनका मेन एम था। इसके लिए ऐसे पार्टिसिपेंट चुने गए जिन्हें डायबिटीज की पहले से कोई परेशानी नहीं थी एंड जो रिसेंटली में वेट रिडक्शन डाइट्स या एक्सरसाइज प्रोग्राम ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे। इन स्टडी के एंड तक अबाउट 54 मर्दों ने ही ये स्टडी पूरा एंड तक कंप्लीट किया। इन 54 पार्टिसिपेंट को दो रैंडम ग्रुप में डिवाइड किया गया जिसमें 31 को डेली 83 म्यूग्राम विटामिन डी 1 ईयर तक दिया गया और 23 पार्टिसिपेंट को डेली प्लेसिबो पिल्स दिया गया जिसमें कोई विटामिन डी की क्वांटिटी ही नहीं थी, पर उनको ये बात बताया नहीं गया क्योंकि एज यू नो कि प्लेसिबो के रूल के हिसाब से उन्हें वो पिल्स यही सोच के खानी थी कि ये एक्चुअली विटामिन डी ही है। एंड तक ये देखा गया कि प्लेसिबो वाले ग्रुप के टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई रिजल्ट नहीं मिला बट विटामिन डी लेने वाले ग्रुप के बायोएक्टिव टेस्टोस्टेरोन लेवल में 17% तक का इंक्रीमेंट था एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल में 25 तक का इंक्रीमेंट था। दिस वॉज अ क्लियर प्रूफ कि विटामिन डी कैन हेल्प बूस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। इस केस में टोटल विटामिन डी इनटेक अगर आप 3000 आईयू तक लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल में 25% तक का इंप्रूवमेंट आ सकता है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सन बाथिंग या दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट तक लगातार सुबह को धूप सेकने से आप अपने दिन भर के पूरे लेवल ऑफ विटामिन डी का 100% से ज्यादा सोक कर सकते हैं। आपको सप्लीमेंट तक पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थिंक अबाउट इट। एंड अगर आपको टैनिंग या धूप में काले पड़ जाने का डर है तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि टैनिंग यूजली 15 या 20 मिनट के बाद से ही होना शुरू होती है, तो यूजली अपने आप को शॉर्ट टाइम के लिए सन में एक्सपोज करिए एंड विटामिन डी के बेनिफिट्स ही आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे एंड टैनिंग का डर भी नहीं रहेगा। टर्मरिक या हल्दी आपको आराम से घर पे ही किचन में मिल जाएगा बट ये इंग्रेडिएंट टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्ट बूस्ट नहीं करता, इंस्टेड ये एस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है। एस्ट्राडियोल एक ऐसा एस्ट्रोजन है जो स्पर्म डेवलपमेंट और आदमियों के जॉइंट हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये हमारे अंदर ज्यादा अमाउंट में होगा तो इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी कम हो जाएगा। टर्मरिक से हम एस्ट्रोजन ब्लॉक कर सकते हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली रिड्यूस नहीं होगा एंड सही अमाउंट में रह सकता है नेचुरली। यिंगजेंग और हांगसाओ ने टर्मरिक के टेस्टोस्टेरोन पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन पे असर को एक रिसर्च स्टडी से साफ प्रूफ किया है एंड 2013 में इसके रिजल्ट उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश भी किए। इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट यूट्रस के इनर लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियल लेयर से सेल्स कलेक्ट करे एंड उसे हल्दी से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके प्योर फॉर्म में क्यूरक्यूमिन से एक्सपोज किया। 0 to 96 hours तक 3 डिफरेंट ग्रुप्स में इन सेल्स को क्यूरक्यूमिन के 3 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेट में क्यूरक्यूमिन के कॉन्टैक्ट में रखा गया। फाइनल रिजल्ट में ये देखा गया कि इन सेल्स में नॉर्मल सेल्स के मुकाबले सेल ग्रोथ एंड एस्ट्रोजन यानी E2 लेवल सिग्निफिकेंटली लोअर परसेंटेज में था एंड सबसे ज्यादा रिडक्शन 30 to 50 μmol कॉन्सेंट्रेशन वाले ग्रुप में था। तो हल्दी के हाई कॉन्सेंट्रेशन डोज में एस्ट्रोजन लेवल बहुत ही सिग्निफिकेंट रेंज में कंट्रोल किया जा सकता है। consumerlab.com की एक इंडिपेंडेंट स्टडी में ये प्रूफ किया है कि रेगुलर जो हम अपने खाने में हल्दी यूज करते हैं उसमें लगभग 3% क्यूरक्यूमिन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग बेनिफिट लेने के लिए खाने में हल्दी के अलावा आपको समवेयर अराउंड 2 tablespoons तक एक्स्ट्रा हल्दी लेनी चाहिए। वो आप दूध में मिला के ले सकते हैं या अपने ऑमलेट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा कॉमन इंग्रेडिएंट जो आपको किचन में इजीली मिल जाएगा वो है जिंजर या अदरक। जिंजर के बहुत से हेल्थ बेनिफिट आपको ऑलरेडी पता है बट उनमें से एक मेजर बेनिफिट ये भी है कि जिंजर इज अ टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्टर। अक्सर जिंजर की रिसर्चेस एनिमल पर हुई है, हाउएवर एक रिसर्च जो इनफर्टाइल ह्यूमन पर हुई उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल में 17% तक का इंक्रीज हुआ और साथ ही अदर की सेक्स हार्मोन पे डायरेक्ट इंक्रीज असर भी नोटिस किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ टिक्रिट इराक में कंडक्ट की गई इस स्टडी के रिजल्ट को टिक्रिट मेडिकल जर्नल में भी पब्लिश किया गया। इस स्टडी में 75 मैरिड आदमियों को इंक्लूड किया गया था एंड स्पेसिफिकली ऐसे लोग जिन्हें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी। ये लोग 19 to 40 years के एज के ग्रुप के थे। इन्हें टिक्रिट के एक क्लिनिक के थ्रू ही जिंजर के एक डोज के कोर्स पे रखा गया। अनफॉर्चुनेटली पब्लिकेशन में एग्जैक्ट डोसेज एंड फ्रीक्वेंसी बताई ही नहीं गई, बस ये क्लियर था कि ये ट्रीटमेंट 3 months तक चली।
इस रिसर्च में कोई प्लेसिबो ग्रुप भी नहीं था, लेकिन 75 लोगों से कलेक्ट किए हुए डेटा को 25 हेल्दी लोगों के डेटा के साथ फोकस में कंपेयर किया गया टू गेट द फाइनल रिजल्ट। रिजल्ट में ये क्लियर देखा गया कि डोज के एंड तक इन 75 लोगों में 17.7% तक का टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हुआ, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मेजर हर्ब्स में ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। तो अगर आप इस वीडियो की शुरुआत में अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को लेके थोड़े से भी वरीड थे, तो प्लीज ट्राई वन ऑफ दीज रेमेडीज फॉर अ प्रॉपर ड्यूरेशन। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने खाने में जिंजर या हल्दी थोड़ी ज्यादा ऐड करो। सपोज आप अंडा खा रहे हैं तो मेक श्योर टू कुक ऑमलेट, यूज मस्टर्ड ऑयल या कोई भी हेल्दी ऑयल, उसमें जिंजर या हल्दी वगैरह डालो, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए आप लोग अंडे तो खाते होंगे। पूरे वर्ल्ड में अंडे को मसल बिल्डिंग के साथ ऐसे जोड़ा हुआ है जैसे विक्रम और बेताल। सच में यार, अंडा 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 लगा रखा लोगों ने। अगर आप दूध पीते हैं तो ऐड हल्दी इन योर मिल्क। बेस्ट रिजल्ट के लिए रात को हल्दी वाला दूध पीकर सोइए। घर में दाल चावल सब्जी और वट एवर यू कुक और योर लवली मदर कुक्स, जस्ट टेल हर टू ऐड अ बिट एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। ये कॉस्टली भी नहीं है एंड आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। विटामिन डी के लिए बेस्ट ऑप्शन विच आई पर्सनली यूज इज टू गो आउटसाइड व्हाइल टॉकिंग ऑन कॉल इन बिटवीन 8 to 3 PM जस्ट फॉर 10 to 20 minutes। मेक श्योर कि 20 मिनट से ज्यादा अपने आपको सन में एक्सपोज मत करना, वरना आपकी बॉडी का पकोड़ा बन जाएगा। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर के सतीश सरोशे ने एक रिसर्च स्टडी में ये बताया है कि एवरेज पर्सन डेली 4 hours अपने मोबाइल को देता है, जिसमें से वो 1 hour अप्रोक्सीमेटली ऑन कॉल रहता है। तो अगर आप दिन में 1 hour कॉल पे बात करते हैं तो मेक श्योर टू हेड आउटसाइड एंड टॉक वाइल वॉकिंग, सो डेट यू कैन गेट मल्टीपल बेनिफिट। First, you will get vitamin D, which is good for your testosterone. Second, you will have a body movement, which is again good for your health. And third, you are saving your time. अब अगर आप अपने testosterone boosting को लेके बहुत ज़्यादा serious है, and you want some other herbal option that truly work, तो मैं कल ही इस topic पे second part भी launch कर रहा हूँ. That video will give you a quick and very clear idea about some very powerful, safe and affordable herb, जिसे आप अपने testosterone level को और पावरफुली बूस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट रिमेंबर, वो आपको इजिली अवेलेबल हर्ब्स की कैटेगरी में नहीं मिलेंगे। एनी आइडिया वो क्या हो सकते हैं? अगर आपको पता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चेक दैट वीडियो आउट टुमारो। आई विल बी बैक विद मोर ओरिजिनल कंटेंट ऑन सच टॉपिक्स दैट मैटर फॉर यू। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।